मेरे चैनल एग्जाम शिक्षा में। जैसा कि हम एफकैट की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और एफकैट का एग्जाम भी पास आने वाला है, तो अब मैं एक ऐसी चीज़ लाया हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन इस पे से ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और जो ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद मैं एक और वीडियो निकालूंगा जिसमें मैं ये जो टॉपिक है उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। और जो मैथ्स का है, मैथ्स का भी अपना हमारा चल ही रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो होगा टाइम एंड वर्क। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम ठीक है, और जिसने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। और जितने अपने दोस्त हैं जिन्हें एफकैट का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अपना जो लाइफ का एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो वो ये ज़रूर वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एफकैट का एक्सपेक्टेड एरियाज है। अब देखते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़रूर बुद्धिज्म और जैनिज्म से ज़रूर एक दो या क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे। किसमें से? हिस्ट्री में से, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, इन दोनों में से, या तो दोनों में से एक एक क्वेश्चन आ जाए या दोनों में से एक ही क्वेश्चन आए। ठीक है, अब जो दूसरा है वैदिक कल्चर भी इम्पोर्टेंट पड़ जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें से फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे हैं वो सब पूछ सकता है। और जो नेक्स्ट है वो है मुगल्स, जो मुगल्स का टाइम थे, जब मुगल्स आए थे, कौन कौन इम्पोर्टेंट रूलर्स थे, वो भी पूछ सकता है। ठीक है, अब हम जियोलॉजी देखते हैं, सॉरी ज्योग्राफी। कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं? 5 से 8 क्वेश्चन हो सकते हैं। रॉक फॉर्मेशन में कैसे रॉक बनते हैं, फॉरेस्ट में से, टेम्परेट ग्रास लैंड, ये सब फॉरेस्ट एरियाज। ठीक है, इंडिया में कितने कवर करते हैं, फिर लैंड फॉर्म्स, डेजर्ट, ये भी कवर कर सकता है। इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो जो 11th और 12th की है NCERT, वो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, यहाँ तक यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी ये माइक्रो और मैक्रो इम्पोर्टेंट होती है। और बाकी ये करंट अफेयर जो इकोनॉमिक्स को लेके रिलेटेड है। फिर हमारा साइंस, जैसे केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैंने ये टेंथ क्लास की कर रखी है। अगर आपको देखना है तो वीडियो पीछे ज़रूर जाके देख लीजिए, जो उसमें टॉपिक छूटे हैं मैं उनको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी करवा दूंगा। बाकी ये हमारा करंट अफेयर, अगस्त टू फरवरी आप देखने की कोशिश करिएगा। इम्पोर्टेंट मिसाइल्स जो हैं अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 5, जो अभी अपाचे हेलीकॉप्टर आए, चीनूक हेलीकॉप्टर आए रशिया से, ठीक है, जो USA के हैं चीनूक और अपाचे, और रशिया से जो मिसाइलें आने वाली हैं। ठीक है, ये सब आप सब चीज़ें देखेंगे, मैं इसको आप शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से एक करवा दूंगा। न्यू प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं, कहाँ कौन से देश के न्यू प्रेसिडेंट, फिर देन कैपिटल, उस जो कंट्री है उनके कैपिटल क्या है, फिर उसका न्यू अपॉइंटमेंट्स, जो अभी इंडिया में हाल ही में जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है जनरल पॉलिसी रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेवेंस कर रही है, मैच कर रही है, वो वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। फंडामेंटल राइट्स हमेशा पूछा जाता है। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंट एंड PM एंड पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये इसमें एक चीज़ और हम देख सकते हैं, इसमें अमेंडमेंट्स भी हम देख सकते हैं। तो अगर इतना हमने कवर किया तो इसमें से हम ये श्योर कर सकते हैं कि हमारा GS का जो पोर्शन है उसमें मार्क्स आ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या करते हैं, इसको हम बुद्धिज़्म को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो अभी इसका जो इसी के वीडियो के नेक्स्ट में आएगा हम स्टार्ट कर देंगे, कौन सा, बुद्धिज़्म एंड जाट का जो पहला, इससे पहला चीज़ था वो हमने कम्प्लीट कर लिया है। तो अब जो हमारा उसमें से जो हिस्ट्री में से हमने पहला टॉपिक चूज़ किया वो है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म को मैंने शॉर्ट फॉर्म में इतनी चीज़ आपको बता दी है, अगर इतनी चीज़ आपको याद हो गई तो आप बुद्धिज़्म से एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे, और 2-3 जो बचे हैं वो मैं बता दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अब जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने बोर्ड पे इसलिए लिख लिया है क्योंकि अब लिखूंगा तो आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, आपको रिवाइज़ करना है, तो मैं आपको पूरा जल्दी से लिख के बता दिया हूँ। अब जो हम स्टार्ट करें वो है बुद्धिज़्म। ठीक है, बुद्धिज़्म कौन थे फाउंडर, गौतम बुद्ध। बुद्धिज़्म के फाउंडर कौन थे, गौतम बुद्ध। कब स्टार्ट हुआ था, 563 BC में। ये वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है, हिस्ट्री में लिखा गया है कि 563 को ये हुआ था। अब विशाखा पूर्णिमा,
विशाखा पूर्णिमा क्या है? इस दिन विशाखा पूर्णिमा का दिन इनका जन्म हुआ था, कहाँ? लुम्बिनी में, लुम्बिनी वन में हुआ था। ये अभी जो प्रेजेंट कहाँ लुम्बिनी वन कहाँ है, वो अभी प्रेजेंट नेपाल में है। तो हमें तीन चीज समझ में आ गई, फाउंडर कौन था? गौतम बुद्ध। कब हुआ? 563 BC। विशाखा पूर्णिमा कब, कहाँ? लुम्बिनी वन में, वो कहाँ है अभी? नेपाल में। फादर इनके कौन थे? सुदत्त दोना, जो सागा क्लैन के रूलर थे। इनकी मदर कौन थी? महामाया, जिनकी डेथ हो गई थी इनको जन्म देने के बाद। अब इनके जो चार धम्मा थे, जो इनके चार पॉइंट थे, इसको स्टार्ट करने से पहले हम चीज एक स्टार्ट करते हैं। जो त्रिरत्ना है, जो बुद्धिज्म के त्रिरत्ना, बुद्धिज्म के कौन कौन से हैं? बुद्धा पहला है, पहला त्रिरत्ना है बुद्धा, फाउंडर बुद्धा ही फाउंडर थे बुद्धिज्म के। धम्मा, धम्मा और इनका क्या है, इनकी टीचिंग्स हैं धम्मा। और जो संघ है, इनके ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स पूरा दे रखा है जिसमें, ठीक है। ये इनके तीन रत्ना हैं, इसे इसीलिए कहते हैं त्रिरत्नास। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ जो धम्मा। अब धम्मा क्या है? धम्मा के चार पॉइंट, धम्मा के चार पॉइंट। धम्मा में ये कहा था उन्होंने कि ये जो संसार है, सौरो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सौरो एंड मिजरीज, ठीक है। अब इस सौरो और मिजरी का कारण क्या है? जो हमारी डिजायर है, जो डिजायर होती है लोगों की, वो इसका है, ठीक है, कॉज। अब ये इसे हम खत्म कैसे कर सकते हैं? बाय कंट्रोलिंग डिजायर। पहला तो उन्हें बताया कि इस संसार में क्या है डिजायर, क्या है सबसे बड़ी फुल, क्या है फुल ऑफ, पहला तो ये वर्ल्ड फुल ऑफ सौरो और डिजायर है, सॉरी फुल ऑफ मिजरी से है। दूसरा कॉज क्या है इस डिजायर, इसका सौरो और मिजरी का? डिजायर। अब इसे खत्म कैसे कर सकते हैं? कंट्रोलिंग बाय डिजायर। अब डिजायर कैन बी कंट्रोल बाय एट। अब उन्होंने कहा कि अब डिजायर को कैसे कंट्रोल करना है, वो एट पाथ दे रखे हैं। जो एट फोल्डेड पाथ हैं, वो है राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट स्पीच, राइट माइंडफुलनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। आप देख लीजिएगा ये चीज। तो ये हमारा चीज भी हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं बुद्धा की लाइफ, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, बुद्धा जी की लाइफ। उन्होंने कितनी एज, कितनी उम्र में घर छोड़ा? एट द एज ऑफ 29। उसको क्या कहते हैं? महाभिनिश करण मना, ठीक है, महाभिनिश करण मना। और किसके अंडर? पीपल ट्री एट बौद्ध गया। क्या हुआ उन्हें? जो बौद्ध गया कहाँ है अभी? बौद्ध गया बिहार में है। किसके नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे क्या किया? निर्वाणा, ठीक है। और जो उन्होंने पहला सरमन अपना दिया, पहला जो सरमन दिया वो कहाँ दिया? धर्म चक्र परिवर्तन उसे कहते हैं, सारनाथ में दिया, ठीक है। उनका डेथ कहाँ हुई? डेथ को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाणा। अब फिर से आप समझिएगा, लेफ्ट होम एट 29, उसको क्या कहते हैं? महाभिनिश करण मना। जो अंडर पीपल ट्री के उन्होंने दिया था बौद्ध गया, क्या है वो? निर्वाणा। फर्स्ट सरमन उन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और जो इनकी डेथ कहाँ हुई? कुशीनगर में, जो उत्तर प्रदेश में है, महापरिनिर्वाणा। तो ये हमारा बुद्धा जी की लाइफ के बारे में भी हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट आ रहा है, ये है हमारा इस बुद्धिस्ट काउंसिल में से क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। अब पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई, ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरी कहाँ हुई, तीसरी कहाँ हुई, इस टाइम कौन रूलर थे, तो ये पूछता है। तो पहली जो हुई थी कहाँ? 483 BC में। कहाँ हुई? राजगीर में, ठीक है। और ये कौन थे हमारे यहाँ? महाकश्यप, जो इनके चेयरमैन थे वो थे महाकश्यप। और रूलर उस टाइम कौन थे? अजात शत्रु, ठीक है। पहला कहाँ हुआ? 483 BC में। कहाँ हुआ? ये हुआ राजगीर में। कौन थे चेयरमैन? कौन थे? महाकश्यप। और जो रूलर थे वो थे अजात शत्रु। दूसरा हुआ 383 BC। अब याद कैसे करें? 483 था, 383 BC कहाँ हुआ? ठीक 100 BC बाद कहाँ हुआ? वैशाली में। कौन थे? सभा कर्मी, ठीक है, सभा कमी था चेयरमैन। और कौन था रूलर? कला अशोका। अब तीसरा जो है 250 BC में कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। कौन था चेयरमैन? मुगलीपुत्र तिस्सा। और जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे अशोक। अब चौथा कहाँ हुआ था? AD 72 में। कहाँ हुआ? कश्मीर।
कौन थे इनके चेयरमैन? वासुमित्रा और अश्व घोष। और कौन था दूल्हा? कनिष्क। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ये पूछा जाता है हर एग्जाम में, ना कि एफ कैट, ये पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये पूछा जाता है कि काउंसिल कहाँ कहाँ हुई। रिपीट करते हैं, पहली के 483 में कहाँ हुई? राजगीर में। महा कश्यप थे इसके वो अजात शत्रु के टाइम में। दूसरी हुई 383 में, कहाँ? वैशाली में। मोगलीपुत सभा कश्मी थे, ठीक है। और कौन था रूलर? कला अशोका। तीसरी 250 BC में, कहाँ? पाटलिपुत्र में। कौन था चेयरमैन? मोगलीपुत तीसरा। और कौन था रूलर? अशोका। चौथी कहाँ हुई? 470 to AD में। कौन था, कहाँ हुई? कश्मीर। कौन था? वसुमित्रा और अश्व घोष। और कहाँ, किसने, किसके टाइम में हुए? कनिष्क के टाइम में हुए। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट कंप्लीट। अब जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था हमारा, बुद्धिस्ट लिटरेचर किस में है? बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन सी भाषा में है? वो है पाली। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये पाली लैंग्वेज है बुद्धिस्ट लिटरेचर। अब तीन है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिनय धर्मा, ठीक है। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में है रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। सूत्र पिटक में क्या है? बुद्धिस्ट की जो टीचिंग है वो है। और जो अभिनय धर्मा में है उसमें क्या? एक्सप्लेनेशन ऑफ फिलोसफिकल प्रिंसिपल। फिर से देखते हैं, हमारा जो विनय पिटक में क्या है? रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। सूत्र पिटक में क्या है? बुद्धास टीचिंग। अभिनय धर्म में एक्सप्लेनेशन ऑफ फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स। तो इतना हमारा बुद्धिज्म हो गया है। अब रीजन क्या थे उनके घर छोड़ने के, ठीक है, जो बुद्धा जी थे उनके रीजन क्या थे? उन्होंने चार साइड देख ली थी, एक ओल्ड पर्सन, मरा मृतक शरीर, मरा हुआ आदमी, ठीक है, और एक जिसको बीमारी हो रखी थी, और एक चीता को, ठीक है। इनके यही चार चीज उन्होंने देखी और इनकी लाइफ बदल गई और 29 की उम्र में ये घर छोड़ के चले गए। उसे क्या कहते हैं? महाभिनिश करना, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया है ख़त्म। तो ये हमारा पहला बुद्धिज्म का टॉपिक था, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, क्रिस्प फॉर्म में आपको बताया। आप याद कर लीजिए, जरूर उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो बुद्धिज्म या तो जैनिज्म या तो दोनों में से, ठीक है। थैंक यू। अब जो नेक्स्ट आएगा उसे हम जैनिज्म स्टार्ट करेंगे। दोस्तों हमारा जो बुद्धिज्म का है वो ख़त्म हो गया है पहला, ठीक है। हिस्ट्री का जो हमारा पहला था वो हमने ख़त्म कर दिया है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर दिया है। अब जो नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जैनिज्म का। जैनिज्म इसको भी हम जल्दी से निपटा देंगे, बोर्ड पे मैंने पूरा चीज़ लिख दिया है, इम्पोर्टेंट वो हम ख़त्म कर देंगे। अब ये किसने फाउंड किया था? फाउंडेड बाय ऋषभ देव। इनका एम्बलम क्या था? बुल मतलब सांड। कहाँ हुआ था बॉर्न? इन अयोध्या। अयोध्या में बॉर्न हुए थे ये। कहाँ है अयोध्या? उत्तर प्रदेश में है। अब ये 24 तीर्थांकर थे इनके 24 तीर्थांकर थे, 1 से 24 तक, जो ग्रेट टीचर्स थे, 24 के 24 ग्रेट टीचर हैं। इनमें पूछ गया था एग्जाम में कि पहला तीर्थांकर कौन था, 14वां तीर्थांकर कौन था, 23वां, 24वां, 25वां कौन तीर्थांकर थे, तो हम देख सकते हैं, ठीक है। 24 थे, 25 नहीं, सॉरी। अब 23वां जो तीर्थांकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एफ कैट में मैंने दिया था, तो एक बार पूछा गया था, एक बार पहला भी पूछा गया, एक बार 23वां भी पूछा गया है। तो ये सब आप याद करिए, 23वां कौन है? पार्श्वनाथ। 24वां कौन है? वर्धमाना महावीरा। इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने, ठीक है, ज़रूरत है। तो फिर से रिवाइज करिए, पहला ऋषभदेव, 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीरा। अब महावीरा के बारे में देखते हैं। महावीरा 540 BC में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? कुंदा ग्राम नियर वैशाली। वैशाली कहाँ है उस टाइम? अब वैशाली है बिहार में, ठीक है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? 540 BC का कुंदा ग्राम में, वो जो वैशाली में था। इनके फादर कौन थे? सिद्धार्था, जो जंत्रिका क्षत्रिय क्लैन के रूलर। तो इतना हमने देख लिया कि फाउंडेड किसने किया? ऋषभ देव ने। उनका क्या था? बोल था। कहाँ बोन हुआ? अयोध्या में। कितने तीर्थांकर थे? 24 तीर्थांकर थे, ये ग्रेट टीचर्स थे सब। 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीरा। महावीरा कब हुआ? 540 BC, कहाँ पे? गुंदा ग्राम में। कहाँ? ये वैशाली में। फादर कौन थे? सिद्धार्थ थे। कौन से क्लैन के थे? जंत्रिका क्लैन के थे। अब इनके 4 डॉक्ट्रिन्स देख लेते हैं। कहे अहिंसा, अहिंसा मत करो, हिंसा मत करो। दूसरा डू नॉट स्टील, असत्य,
तीसरा डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, अपिग्रह, ये सब इनके टर्म है, अपिग्रह, अहिंसा, अशित्य, अपिग्रह, डू नॉट स्पीक लाई, सत्य और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो इनके फोर डॉक्ट्रिन्स हैं, देख लीजिएगा। अब जो हमारा इनके जो जैना जो टेक्स्ट है, जैन जैनिज्म के जो टेक्स्ट है, वो कौन सी भाषा में है? प्राकृतिक में है। बुद्धिज्म वाले किस में थे? पाली में थे। ये दो डिफरेंस, पाली प्राकृतिक। अब यहाँ देख लेते हैं, जैसे पहला कौन था? ऋषभनाथ, उनका बुल, अजीतनाथ दूसरे थे, उनका एलिफेंट। चौदहवा अनंतनाथ, एक बार ये किसी एग्जाम में पूछ गया था कि चौदहवा कौन है, तो अनंतनाथ थे फैल्कन। अनंतनाथ चौदहवा मतलब याद कर लीजिएगा, आदित्यनाथ जी से रिलेट कर रहा, अनंतनाथ। फिर ये 22वां है अरिस्थनेनी, ठीक है, इनका है कोंकशल। ये किस लिए इम्पोर्टेंट पड़ता है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो अब हम काउंसिल देख लेते हैं, जैनिज्म की काउंसिल कहाँ कहाँ हुई है। पहली काउंसिलिंग हुई है 300 BC में, कहाँ? पाटलिपुत्र में। कौन था चेयरमैन? स्थलभद्रा थे। किसके रूल टाइम में हुआ था ये? थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन आप जरूर देख लीजिए कब हुआ, 300 BC में, कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। और कौन था? स्थलभद्रा चेयरमैन थे, किसके उसमें टाइम में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के। दूसरा 512 AD में हुआ, कहाँ? वल्लभी, ठीक है, वल्लभी में हुआ। कौन था चेयरमैन? शमा रमाना, ठीक है। और इसी टाइम में क्या हुआ था? 12 अंगास और 12 उपंगास कंपाइल हुए थे, किस भाषा में? अवधि अरध मगधी लैंग्वेज में, ठीक है, अरध मगधी लैंग्वेज में। अब जो नेम ऑफ ऋषभ, ऋषभ देव का नाम और अरिस्तनेमी का नाम कहाँ फाउंड होता है? ऋग वेद में। ये क्वेश्चन इसीलिए बनता है अरिस्तनेमी का, कि इन दोनों जो ऋषभ देव और अरिस्तनेमी का नाम है कहाँ फाउंड होता है? ऋग वेद में। तो इतना हमारा जैनिज्म का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो पूछेगा आपको यहीं से पूछेगा, कुछ नहीं है। फोर डॉक्ट्रिन्स, अहिंसा, असत्य, अपिग्रह, सत्य और ब्रह्मचार्य। जैन टेक्स्ट प्राकृतिक में लिखा है, बुद्धिज्म पाली में लिखा है, ऋषभदेव पहले, अजितनाथ दूसरे, 14वां अनंतनाथ, 22वां अरिष्ट अरिस्तनेमी, 22वें 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीरा, ठीक है। तो हमारा ये दो टॉपिक खत्म हो गया, हिस्ट्री का पहला। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, जिसे जरूरत है उस तक जरूर पहुंचाते जाइए और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप ही लोग के लिए, अगर मेरा साथ देंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारी जो जिंदगी है उसमें हम अपना और आगे काम बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू।